pleasant morning to esteemed chief guest, Reverend Father Principal Mrs. Pragya Pandey, supervisor, entire teaching and non-teaching staff. We gathered over here to celebrate 73rd Republic Day. I, Navira, and I, Deeksha, wishing you all a very happy Republic Day. To Mrs. Pragya Pandey. प्राचार्य मैम, सुपरवाइजर्स, समस्त शिक्षक वृंद एवं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों, आप सबको हमारे राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते देखते हमारे देश के संविधान को लागू हुए 73 वर्ष पूरे हो गए। आजादी के बाद हमारे देश में उतार चढ़ाव आए, कई परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ महिला साक्षरता। आज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से भी अधिक महिला शिक्षिकाएं ही कार्यरत हैं। और इन्हीं महिला शिक्षिकाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारी आदरणीय श्रीमती अनीता तिवारी मैम जी। हमारी सेंट विंसेंट पैलोटी हिंदी मीडियम स्कूल की प्यारी तिवारी मैम, आज मैं आपके सम्मुख श्रीमती तिवारी मैम का जीवन वृतांत प्रस्तुत कर रही हूँ। आज से 59 वर्ष पूर्व दिनांक 8 अक्टूबर 1963 ईस्वी को श्रीमती सुखिया एवं श्रीमान दुर्गा प्रसाद तिवारी के घर एक नन्ही बालिका ने जन्म लिया था, जिनका नाम अनीता रखा गया। उनकी आरंभिक शिक्षा कक्षा पहली से कक्षा नौवीं तक निवेदिता गर्ल्स स्कूल में हुई। तत्पश्चात उन्होंने सिंधी गर्ल्स स्कूल रामसागर पारा से कक्षा 11वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। 1984 से 1989 तक महाविद्यालयीन शिक्षा बीए एवं एमए दुर्गा कॉलेज रायपुर से पूरी की।
तत्पश्चात उन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय से अपनी बीएड की पढ़ाई की। अपने इसी अध्ययन काल के दौरान उन्होंने सन 1985 ईस्वी में सिंधी स्कूल रायपुर में एक शिक्षिका के रूप में शिक्षण कार्य आरंभ किया। सन 13 दिसंबर 1990 ईस्वी को रायपुर के ही श्री मनोज तिवारी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत उनके जीवन में दो अनमोल रत्न आए, सुपुत्री अनामिका तिवारी एवं सुपुत्र सिद्धांत तिवारी। सन 2007 से हमारे साथ उन्होंने विद्यालय में अपना शिक्षण कार्य आरंभ किया। विद्यार्थियों के साथ उनका रिश्ता एक शिक्षिका ही नहीं बल्कि एक माँ, एक अच्छे मित्र के रूप में रहा है। उनका मिलनसार व्यवहार पूरे स्टाफ के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक बड़ी बहन एवं एक अच्छा मित्र बनकर उन्होंने हर किसी की हर परिस्थिति में अपना साथ दिया है। उनको संगीत से बहुत लगाव है और इसका साक्षात प्रमाण विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी गायन कला का प्रदर्शन करते हुए देखा ही है। अंततः उनकी कर्मठता, सेवा भाव हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और आगे भी रहेगी। हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।